खबर वाराणसी से है। अवैध कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला हुआ है। महिलाओं ने टीम पर गोबर से हमला किया है। पंचायत भवन की जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी टीम। नायब तहसीलदार, सदर और लेखपाल पहुंचे थी कब्जा मुक्त कराने। भारी पुलिस बल लेकर पहुंचे थे कब्जा मुक्त कराने और वहां पर देखिए कैसे गोबर से हमला कर दिया गया। पंचायत भवन की जमीन को कब्जा मुक्त कराने जब ये टीम पहुंची प्रशासन की और पुलिस की, देखिए कैसे गोबर से हमला किया महिला पुलिसकर्मियों पर। वाराणसी की फुटेज आप देख रहे हैं, महिलाओं का विरोध देखिए, गोबर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। इसकी विरोध का ये तरीका भी आप देख लीजिए वाराणसी। इसी बीच एक बड़ी खबर भदोही से मिल रही है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के फरार बेटे विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने छापा मारा है। छापे के दौरान पिस्तौल छोड़कर फरार हुआ है विष्णु मिश्रा। संरक्षण देने वाले ग्राम प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। अनापुर ग्राम प्रधान चंदन तिवारी के घर पर छिपकर रह रहा था विष्णु मिश्रा। रिश्तेदार का मकान कब्जा करने और युवती से रेप के मामले में विधायक पिता के साथ आरोपी है विष्णु मिश्रा। गोपीगंज कोतवाली पुलिस और वाराणसी एसटीएफ ने यह संयुक्त कार्रवाई की। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की हम बात कर रहे हैं। छापेमारी भदोही में गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने छापा मारा है। छापे के दौरान पिस्तौल छोड़कर फरार हो गया विष्णु मिश्रा। रोहित इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। रोहित, और क्या जानकारी है आपके पास विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी के प्रयास के संदर्भ में और बाद में उसकी उसके फरार होने के संदर्भ में? रोहित जी, बता दूं कि विधायक विजय मिश्रा के तीन मामलों को जो है वाराणसी की एसटीएफ देख रही है, जिसमें फरार उनके बेटे जो विष्णु मिश्रा है उनके ऊपर एक रेप का मामला है और जमीन और मकान तमाम की कब्जाने का के मामले दर्ज है। इस मामले में वाराणसी एसटीएफ और भदोही पुलिस जो है संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही थी फरार विष्णु मिश्रा को खोजने में, और कल उनको अचानक से ये एक सूचना मिली कि विष्णु मिश्रा यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे पुलिस और वाराणसी एसटीएफ ने छापा मारा। हालांकि वहां से विष्णु मिश्रा फरार हो गए और पुलिस को मौके से दो तमंचे और कारतूस मिले हैं। बाकी की कार्रवाई जो वाराणसी पुलिस और वाराणसी एसटीएफ और भदोही पुलिस कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इधर कानपुर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। लाठी डंडे से पुलिस पर हमला किया गया है, पथराव किया गया है। विवादित निर्माण रुकवाने पहुंची थी टीम और फिर उस पर हमला किया गया। कार्यवाहक एसओ की वर्दी भी फाड़ दी गई और दो सिपाही जख्मी हुए। लखनऊ में तैनात दरोगा सुनील कुमार के परिजनों ने हमला किया है। दरोगा विवादित जमीन का निर्माण करा रहा था। विवादित जमीन पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया है। बिदनौर थाना क्षेत्र की घटना है ये। कार्यवाहक एसओ की वर्दी फाड़ दी गई है और दो सिपाही भी जख्मी हुए। 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। बिदनौर थाना इलाके का मामला। बड़ी खबर, कानपुर में पुलिस की टीम पर हमला। लाठी डंडे से पुलिस की टीम पर हमला किया गया है और बाद में पथराव भी हुआ है। विवादित निर्माण रुकवाने के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम, जब उन पर हमला किया गया, पथराव भी किया गया पुलिस की टीम पर। कार्यवाहक एसओ की वर्दी फाड़ दी गई और इस हमले में दो सिपाही जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, कानपुर से 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में निर्माण रुकवाने के लिए गई थी पुलिस की टीम, जब उन पर हमला किया गया, पथराव किया गया, पुलिस की टीम पर कानपुर में हमला बोला गया है, दो सिपाही जख्मी, एसओ की वर्दी फाड़ दी गई है। लाठी डंडे से पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। विवादित निर्माण को रुकवाने के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम वहां पर। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, ये पूरा वाक्या, पूरी घटना और इसके कारण हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, विवादित निर्माण रुकवाने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी बिजनौर थाना क्षेत्र की, और जो कार्यवाहक एसओ हैं उनकी उनका विवाद हुआ, जिस विवाद निर्माण करवा रहा था। लखनऊ में तैनात दरोगा सुनील कुमार बताया जा रहा है, उसके परिजनों से विवाद हुआ, और जब पुलिसकर्मी अपने कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े तो उसके बाद सुनील कुमार ने उन्हें रोका और इसी में हाथापाई हुई थी। हाथापाई के बाद कार्यवाहक एसओ
की वर्दी फाड़ी गई है और दो सिपाही इसमें घायल हुए हैं। इसके बाद जो आरोपी दरोगा है जो लखनऊ में तैनात है सुनील कुमार, उसको थाने की पुलिस थाना ले गई है और उसके बाद उचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि पुलिस टीम अगर कार्रवाई से जाती है तो किस तरह पुलिस के लोग ही जो पुलिसकर्मी है वही पुलिस की टीम से उलझ रहे हैं और उनकी कार्रवाई में अड़चन बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।